सो हे गाइस, वेलकम बैक इन माय YouTube चैनल पासवान गेमिंग। मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ 24 आवर वेपन ग्लोरी पुशिंग चैलेंज। देखो गाइस, सीजन के स्टार्टिंग में मैं ऑलरेडी थॉमसन गन में इंडिया पुश कर रहा था, बट गाइस इसी के साथ अब मैं MP40 में भी ट्राई करने वाला हूँ इंडिया नहीं तो कम से कम स्टेट में आने की, क्योंकि आपको भी पता है MP40 सबसे टफ गन में आती है, जो की ग्लोरी देना उसका बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। क्योंकि मेरा ग्रैंड मास्टर होने के बाद मैंने ठान लिया है ओनली सोलो पुशिंग करके मैं अपनी वेपन ग्लोरी ग्रो करने वाला हूँ, वो भी MP40 में अपने स्टेट में आने वाला हूँ। करेंट में हमारी वेपन ग्लोरी देखा जाए तो यार मैं थॉमसन में 29 नंबर पे हूँ, बट अब से गाइस हम MP40 में ज्यादा एफर्ट देंगे इसको भाई कैसे भी करके स्टेट तक लाने के लिए। बट गाइस देखा जाए तो मैं अभी भी डिस्ट्रिक्ट के 72 नंबर पे हूँ। अगर जो अभी MP40 की ग्लोरी देखा जाए तो ऑलमोस्ट 40,000 कंप्लीट होने वाला है, बट गाइस आज हम इसे 50,000 तक ले जाएंगे। तो गाइस देखो, मैं भी जल्दी से पुशिंग देना स्टार्ट कर देता हूँ, एंड इसी के साथ ये मेरा फर्स्ट गेम था। देखो यहाँ पे मेरे को अभी तक MP40 तो नहीं मिलती है, बट मैंने टॉप 12 कर लिया था एंड मेरे को आशा थी लास्ट तक में मुझे MP40 मिल जाएगी। एंड अपनी बाइक लेके जा ही रहा था कि सामने एक बंदा दिखता है एंड काफी डैमेज दे रखा है मैंने इसको, और ये बचने की ट्राई कर रहा है, बट फाइनली मैंने इसे फिनिश कर दिया। अब इसे मारने के बाद मैं जल्दी से अपनी गाड़ी रिटर्न उठा लेता हूँ, क्योंकि आसपास अभी भी बंदे होंगे। एंड गाइस तभी जोन के अंदर एक बंदा आ रहा था, सो मुझे दिख जाता है, इसलिए मैं अपनी गाड़ी सडनली यहीं पे ला देता हूँ। एंड गाइस जस्ट उतर के तुरंत फाइट करना स्टार्ट कर देता हूँ, जहां से डैमेज तो देता हूँ बट ये बंदा पैक होने की ट्राई कर रहा था। एंड अब भाई यहाँ मेरे लिए टफ होने वाला है, सो मैं स्काइलर का यूज करके मार देता हूँ। बट गाइस अब ऊपर नीचे दोनों तरफ से मुझे बंदे टारगेट कर रहे थे। गाइस यहाँ मेरी खुद की काफी कम एचपी हो गई थी और ये बंदा वॉल पे वॉल ब्रेक किए जा रहा था, तो भाई यहाँ मेडी तक लगाने का टाइम नहीं देता, जहाँ मैं एक मेडी लगा के सडनली अपनी बाइक उठा लेता हूँ। एंड गाइस बस जल्दी से अब यहाँ उस बंदे के पास चला जाऊं जो कि अभी तक मुझे डैमेज दे रहा था। बट गाइस यहाँ आते आते तो ये बंदा पता चलता है घर के अंदर है, तो मैं यहाँ से थोड़ा दूर जाने की ट्राई करता हूँ, क्योंकि एक तो मैं जोन के बाहर हूँ एंड गाइस ऐसे सिचुएशन में मैं क्लोज रेंज की फाइट बिल्कुल भी नहीं लेना चाहता। जोन के अंदर आके आराम से लॉन्ग रेंज की फाइट लेंगे, बिकॉज मैं कार में भी थोड़ा बहुत पुशिंग कर रहा हूँ। एंड बंदा जस्ट मेरे सामने है, जिसे मैं इजिली हेडशॉट मार के फिनिश कर देता हूँ। मतलब क्या ही तो बंदे ने कवर दे रखा था कि सीधा सारी की सारी एमो उसके हेड एंड बॉडी पे टच हुई। सीरियसली यार मेरे टोटल 8 किल कंप्लीट हो जाते हैं, बट अभी तक यार मेरे को MP40 नसीब नहीं हुई है। एंड जहाँ भी MP40 थी वहाँ पे बंदे काफी थे, तो मैंने उठाई भी नहीं उनकी पेटियों में से, इसलिए यहाँ मैं हिटलिस्ट लगा देता हूँ। इतने किल होने के बावजूद भी अभी तक जो मुझे गन नहीं मिली, शायद इन बंदों के पास मिल जाएगी, जो कि अभी तक मुझे नजर नहीं आ रहे थे। और लास्ट के सिर्फ 4 बंदे हैं। अभी मोस्टर वाले को डैमेज तो दे रहा था, बट पीछे से मुझे भी डैमेज पड़ रहा है, तो सबसे पहले इसको छोड़ इसको संभालते हैं। देखो गाइस वो बंदा जो सामने वाले घर में था, एंड भाई ऐसे लॉन्ग रेंज से मैं फाइट लेना चाहता था, बट वो एक भी ऐसा मतलब पॉइंट दे ही नहीं रहा था कि मैं इजीली उसे इतना लॉन्ग रेंज से मार सकूं। एंड अब मुझे ना चाहते हुए भी क्लोज रेंज में जाना पड़ेगा, क्योंकि गाइस मुझे ऐसा लग रहा था शायद उस बंदे के पास हो सकती है MP40, एंड गाइस अपना काम हो सकता है। और यहाँ पे भाई जो मेरे पास ग्रेनेड थे वो फेंकना स्टार्ट कर देता हूँ, एंड एक ग्रेनेड फेंकने के बाद अब देखो यहाँ पे मेरे पास कुछ बहुत फ्लैश थे, तो वो भी मैं फेंकना स्टार्ट कर देता हूँ। मुझे पहले से पता था वो बंदा इधर ही होगा, तो दोनों फ्लैश का डैमेज पड़ता है बंदे को, बट यहाँ जब तक मैं ऊपर जाता हूँ तो मुझे भी लैंडमाइन का डैमेज पड़ता है। एंड एक M10 की एमो टच करने के बाद ये बंदा यहाँ से सडनली भाग जाता है। एंड गाइस अब ये भाई नीचे से आने वाला है, इसलिए मैं यहीं पे खड़ा हो जाता हूँ, एक मेडी लगाता हूँ। एंड गाइस अब पूरा अपग्रेड करने के बाद मैं भी नीचे साइड रस मारने आ जाता हूँ। एंड गाइस बंदा भी मुझे दिख जाता है, बट गाइस इसे मैं मार नहीं पाता। देखो इसके पास भी शॉर्ट रेंज की बेस्ट गन थी, सो ये मुझे डैमेज देने की ट्राई कर रहा था, एंड मैं भी इसको हद से ज्यादा डैमेज दे चुका हूँ, बट इसके पास मैग थी और ये बंदा सडनली मेरे ही पास आ जाता है। अबे भाई बस कर भाई, बार बार बचा, एक तो मेरी इतनी कम एचपी थी, लास्ट के सिर्फ 2 ही बंदे बचे हैं, तो एक मैं जल्दी से पहले तो मेडी लगाता हूँ, इनको कवर वाले प्लेस में जाता हूँ, क्योंकि अभी ये जस्ट मेरे पास में ही है। एंड गाइस यहाँ फुस्टे पा रहे हैं, और बाप रे ये बंदा जस्ट सामने ही है। एंड गाइस मैं इसे डैमेज तक नहीं दे पाता हूँ, ना ये बंदा मुझे दे पाता है। अब दोनों तरफ से फंसने वाला हूँ, इसलिए इसके ऊपर आ जाता हूँ, बट अच्छा हुआ इस घर के ऊपर कोई बंदा है नहीं, तो ये कवर मिल गया मुझे बेटर। एंड गाइस देखो धीरे धीरे जोन भी छोटा होता जा रहा है, और गाइस मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि बंदा डायरेक्टली ऊपर आके रस मारेगा, इसलिए लैंडमाइन वहां लगा के मैं इस कोने में भी कर रहा था। इन सामने वाली वॉल ब्रेक करते ओपी भाई 40 का डैमेज आया, मतलब बंदा जो सामने है और भागने की कोशिश कर रहा है, उसने शायद मुझे देखा नहीं है यहाँ आते हुए। एंड यहाँ पे इजिली काफी डैमेज देके मैं फिनिश कर देता हूँ। देखो इसे फिनिश करने के चक्कर में यहाँ मेरी एचपी कम हो गई, डर इस चीज का था कहीं वो बंदा थर्ड पार्टी ना कर दे, बट अब वो लास्ट का ही बंदा है, अब इजिली उसे हम संभालेंगे। पहले अपनी पूरी तरीके से एचपी रिकवर कर लेते हैं एंड वेस्ट वगैरह अपग्रेड कर लेते हैं। एंड सीरियसली अभी तक यार मुझे MP40 नसीब नहीं हुई है। एंड गाइस अब लास्ट जोन आ चुका है, अब ये बंदा जस्ट मेरे सामने ही है, और गाइस ये मुझे रश करके मारने की ट्राई कर रहा है, और मैं भी ट्राई कर रहा हूँ कि इसको मैं मार सकूं। अबे क्या फंस रहा हूँ यहाँ पे, भागना पड़ेगा, थोड़ा पीछे आके इसको मारने दो। अबे भाई कितना कम एचपी कर दिया, और फाइनली इसे मैंने फिनिश कर दिया। मतलब देख रहे हो इतना कम एचपी होने के बाद ये बंदा रिलोड में आ गया था, और वो सही टाइम समझ के मैंने रस कर दिया, एंड फाइनली बुइया हो गया। एंड गाइस देखा जाए तो स्कार और M10 का 100 पॉइंट तो मिल जाता है, बट इस गेम में MP40 का 100 पॉइंट नहीं मिला था। एंड गाइस इसी के साथ हम एक और मैच यहाँ स्टार्ट कर देते हैं। एंड गाइस यहाँ पे मैं थॉमसन एंड स्कार लेके इस बंदे के ऊपर डायरेक्टली रस कर देता हूँ,
एंड काफी डैमेज है और फाइनली इसे मैं फिनिश भी कर देता हूँ। एंड यहाँ मेरे 2 किल्स कंप्लीट हुए थे तो मैं अपनी गाड़ी रिटर्न उठा के इधर साइड आ जाता हूँ बिकॉज अब मुझे MP40 मिल चुके हैं एंड सामने जो वॉल है वहाँ बंदा भी था। सो इसे मैं गाड़ी से ठोकने के बाद फिनिश भी कर देता हूँ MP40 से। तो ये हमारा फर्स्ट किल था MP40 से। एंड गाइस उसके बाद मैं इधर साइड आ जाता हूँ जहाँ पे सामने की ओर मुझे एक मॉन्स्टर दिखता है। तो भाई ये गाड़ी पहले एक्सचेंज करते हैं एंड मॉन्स्टर को उठा लेते हैं बिकॉज मॉन्स्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लास्ट जोन में। एंड लास्ट के 4 ही बंदे बचे हैं जिनमें से एक जस्ट सामने ही था। सच में उस बंदे को थोड़ा भनक भी नहीं है कि पीछे से मॉन्स्टर आ रहा है। एंड इसी का फायदा उठाते हुए पहले तो मॉन्स्टर से ठोकता हूँ और बाद में गन से इसे इजिली फिनिश कर देता हूँ। एंड गाइस MP40 से 3 किल निकालना होता है 100 पॉइंट के लिए। यहाँ मैंने 2 किल ऑलरेडी निकाल लिए एंड बाकी के बंदे जस्ट सामने हैं। बट यार अभी मैं मॉन्स्टर से उतरना नहीं चाहता हूँ। ये एनिमी जैसे ही नीचे कूदता है तो मैं भी उतर के काफी ज्यादा डैमेज दे देता हूँ एंड इसे फिनिश कर पाता उससे पहले ही ये मेरे ही मॉन्स्टर में बैठ जाता है। अब गाइस मुझे जोन के अंदर जाना ही पड़ता है क्योंकि ऊपर जो बंदा था वो डैमेज देना स्टार्ट कर रखा था एंड अब वो बंदा नीचे कूदेगा ये मुझे पता था। सो रिटर्न में अपने मॉन्स्टर को यहीं लाके उसको काफी ज्यादा डैमेज देता हूँ। एंड गाइस यहाँ पे गलती हो गई थी, वापिस से मॉन्स्टर उठाना पड़ेगा। अब देखो मेरे हाथ में कार की जगह MP40 थी, नहीं तो अगर जो कार होती तो मैं इजिली मार देता। एंड अब वो जो बाइक वाला बंदा था वो अंदर कैंप कर रहा था इसलिए मैं उतर के डायरेक्टली डैमेज देना स्टार्ट कर देता हूँ। बट गाइस इसे ज्यादा डैमेज नहीं दे पाता क्योंकि अब देखो ये लास्ट का एक ही बंदा बचा हुआ है जिसे 63 का हेडशॉट पड़ा है। एंड गाइस अब वो बंदा भी अपनी गाड़ी से उतर जाता है और मुझे मारने के चक्कर में तो मैं अपनी मॉन्स्टर रिटर्न उठा लेता हूँ। एंड जस्ट सामने ही था वो बंदा बट अंदर चला जाता है। एंड यहाँ बाहर से डैमेज देने की ट्राई तो करता हूँ बट बच जाता है। एंड गाइस अब वो मेरे भी टूटने वाला था तो मैं पीछे साइड पहले तो आ जाता हूँ। एंड मेरे पास यहाँ एमओ थी ही नहीं, 2 ही रीलोड था। तो इधर एक कोने में आके मैं एमओ वगैरह निकाल लेता हूँ, जो काम की चीजें हैं सो मैं निकाल लेता हूँ। गाइस अब देखो मेरे को बहुत सोच समझ के गेम खेलना पड़ेगा। लास्ट का एक ही बंदा है जिसे मैं MP40 से मारना चाहता हूँ इसलिए मैं रिटर्न अपना मॉन्स्टर उठा लेता हूँ क्योंकि क्लोज रेंज में इसे फाइट नहीं लेना चाहता। इसके पास शॉटगन है, ये इजिली लपेट लेगा मुझे। और गाइस थोड़ा लॉन्ग रेंज में रहकर इसे मारूंगा तो मैं मार सकता हूँ बट ये बंदा बाहर निकल नहीं रहा है एंड जोन छोटा होता जा रहा है और मुझे ही जोन में डैमेज पड़ता जा रहा है। सो मुझे अभी सोच समझ के जोन को अंदर लाना पड़ेगा। एंड ये बंदा भी अपनी बाइक उठा लिया, देख रहे हो गाइस ये बंदा अपनी बाइक नहीं छोड़ रहा है, जस्ट मेरे पीछे पीछे घूम रहा है। शायद ये बंदा मेरे से हीलिंग बैटल करना चाहता है एंड यहाँ पे मैं भी कुछ ऐसा ही करना चाहता हूँ बट मेरे पास ज्यादा मेडी है नहीं, 4 बड़ी मेडी है बट गाइस देखते हैं यार क्या होता है। एंड गाइस एक तरफ मैं ये भी सोच रहा हूँ क्या पता इसके पास मेरे से ज्यादा मेडी हो, फिर तो दिक्कत हो जाएगी, शायद यही बुइया ले जाएगा। एंड इसीलिए अब भाई मैं थोड़ा सा दिमाग दौड़ाने की कोशिश कर रहा था एंड इसकी गाड़ी फोड़ना चाहता था। एंड गाइस अब देखो ये बंदा जैसे ही मेरे से आगे गाड़ी अपनी ले जाएगा तो अब ये बंदे का ध्यान मेरे पे नहीं, तो मैं उतर के इसकी गाड़ी पे डैमेज देने की ट्राई करता हूँ। बहुत चालाक था, मतलब बच गया। एंड सेकेंड टाइम ये बंदा देख रहे हो ठोकने वाला था जस्ट मुझे, बट अच्छा हुआ मैं बैठ गया। एंड अब ये बंदा मेरी ही गाड़ी को फोड़ना स्टार्ट कर देता है और ये मेरे लिए एक सही टाइम था तो मैं भी रश कर देता हूँ इस पे। और सबसे पहले तो मॉन्स्टर ब्रेक करता हूँ क्योंकि ये उसमें बैठ चुका था। एंड नीचे उतरते ही काफी अच्छी तरीके से इसे मैं फिनिश किया हूँ सीरियसली। इसी के साथ ये वाला गेम भी विन हो जाता है एंड इसमें 26 का प्लस मिलता है एंड 100 पॉइंट MP40 के भी मिल जाते हैं। तो मैं एक और गेम यहाँ जल्दी से स्टार्ट कर देता हूँ। एंड यहाँ पे मैं पिक के कोने पे उतरा था एंड अब बस मुझे जल्दी से गन चाहिए बिकॉज अंदर साइड फाइट चल रही है एंड मुझे भी फाइट में पार्टिसिपेट करना है, मतलब बंदों को लपेटना है। एंड यहाँ पे मुझे वेक्टर मिल जाती है एंड अब फुटस्टेप भी आ रहे हैं, मतलब क्लोज में बंदा वो राजा सामने ही है। इजिली इसे मैं फिनिश कर देता हूँ, बंदे ने एक डैमेज तक नहीं मुझे दे पाया, मतलब एकदम क्लियर हूँ। एंड अब ट्रोगन लेके मैं डायरेक्टली अंदर साइड आ जाता हूँ एंड यहाँ पे भी एक बंदा दिखता है। अब इसे ज्यादा डैमेज तो नहीं दे पाता बट ट्रोगन से इजिली इसे भी फिनिश कर देता हूँ। एंड सीरियसली दोनों बंदों ने मुझे एक भी डैमेज नहीं दे पाया था बट यहाँ अभी फुटस्टेप काफी ज्यादा बढ़ रहे थे, मतलब क्लोज में काफी ज्यादा बंदे हैं और मैं बस फाइट ही लेना चाहता था। एंड एक बंदा जस्ट सामने ही दिखता है, यहाँ पे मैं भी ट्रोगन से पूरा स्प्रे देना स्टार्ट कर देता हूँ। एंड इस बंदे को मैंने इतना ज्यादा डैमेज दे रखा है कि क्या ही बोले, एक ही गोली एक एक ही टच होती है ये बंदा मर जाता है। बट अब बंदे एक्स्ट्रा में फाइट लेने के लिए मेरे क्लोज आना चाहते हैं एंड यहाँ पे देख रहे हो गाइस कितने ज्यादा फुटस्टेप आ रहे हैं। सो मैं पहले तो मेडी लगा लेता हूँ एंड गाइस यहाँ मेडी कंप्लीट हो ही नहीं रही है कि पीछे से बंदे आ गए। एंड यहाँ पे पूरी तरीके से रेडी होने के बाद मैं भी अब इन पे रस मारने के लिए रेडी हूँ। बट ये बंदा थोड़ा सा लोकेशन दे एंड ऊपर साइड है ये बंदा, इधर कोने में HP कर रहा था भाई, देख रहे हो दूसरा आया विक्टर लेके, वो भी भाई इसको डैमेज पड़ा है और ये बंदा भाग रहा है, मतलब अब इसको इधर साइड से मारेंगे। एंड ये दूसरे से फाइट भी ले लिया बहुत से, ये सही टाइम है इसे फाइट लेने का। और ये रहा एक ही गोली टच करते मर गया, बट अभी फुल स्टेप बढ़ रहे हैं, मतलब कोई क्लोज में आ रहा है बट किधर, ये रहा सामने ये। एंड इससे भी फिनिश कर दिया फाइनली। बट गाइस अब देखा जाए तो मेरा हार्ट पॉइंट कम्प्लीटली खत्म होने वाला था इसलिए अब मेरे को HP करके सबसे पहले यहाँ से भागना पड़ेगा गाड़ी लेके, नहीं तो अब भाई सामने ही बंदा है। रुको गाइस इसका ध्यान मेरे पे नहीं है और ये सही टाइम है इसको पीछे से मारने का। गाइस ये बंदा उसकी लूट कर रहा है पेटी की और इतना फायरिंग देने के बाद भी इसको नहीं पता चला, तो मैं इजिली लपेट लेता हूँ इसको। और गाइस यहाँ 7 किल कम्प्लीट हो जाते हैं बट अब सही टाइम तो यही है कि यहाँ से मैं भाग जाऊँ अपनी HP करके। अगर जो कोई बंदा
बंदा आके मुझे यहाँ गलती से भी मार दिया तो बहुत गंदा मायने जाएगा, इतने किल करने का कोई फायदा मिलेगा ही नहीं। एंड सामने भाई टुक टुक था तो मैं उसे उठा लेता हूँ एंड उसके बाद गाइस मैं निकल लेता हूँ। गाइस अब मैं टॉप 10 तक अपनी गाड़ी नहीं छोड़ता है और अब मुझे फाइनली यहाँ MP40 भी मिल चुकी थी। अब देखो ये गाड़ी काफी ज्यादा डैमेज थी क्योंकि गाइस मैंने इसको भाई ऐसी ऐसी जगह से लाया था जहाँ से बंदों ने इसकी हालत टाइट कर दी, इसलिए अब जो नीचे गाड़ी पड़ी उसे उठाने का वक्त आ चुका है। एंड गाइस ये वाली गाड़ी को ये कोने में लाके ठोक देता हूँ, बट फुस्टे पा रहे थे एंड बंदा, और फाइनली मैंने उसे फिनिश भी कर दिया। बट यहाँ पे बंदे ने डैमेज तो बहुत तगड़ा दे दिया है, इसलिए एक मेडी जल्दी से पहले मैं लगा लेता हूँ एंड ये गाड़ी लेकर जल्दी से यहाँ से भागना पड़ेगा, नहीं तो क्लोज रेंज में और कोई बंदे होंगे तो वो भी मतलब रस करेंगे। एंड ये गाड़ी ऑलरेडी काफी ज्यादा डैमेज है, देख रहे हो सीरियसली गाइस। अब इसकी पेटी में से थोड़ी बहुत एमो उठाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ मेरे पास लूट है, पर फिर भी और प्रॉपर तरीके से लूट ले ली मैंने। एंड गाइस फिर मैं अपनी गाड़ी लेके यहाँ से डायरेक्टली आगे की ओर बढ़ जाता हूँ। जोन के बाहर आके मुझे एक सामने की ओर बाइक दिख जाती है तो मैं उसे उठा लेता हूँ। एंड रियली गाइस ये बाइक थोड़ा भी डैमेज नहीं है, अब जोन में भी जाना पड़ेगा और सामने की ओर एक बंदा भी दिख जाता है मुझे और गाइस वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है भाई, देख रहे हो। और गाइस इसे तो पहले गाड़ी से उड़ाएंगे और लो भाई 60 का डैमेज। एंड उतर के डैमेज देने की ट्राई करता हूँ बट ये बंदा बच जाता है पहली बार में तो, बट अब मैं इस पे डायरेक्टली रस मारने वाला हूँ और यहाँ पे भी बच गया बट इस बार नहीं, और फाइनली इसे मैं फिनिश कर देता हूँ MP40 से। एक बार फिर से मैं अपनी बाइक उठा लेता हूँ और इसकी पेटी लूटने के लिए आ ही रहा था कि भाई अब यहाँ एक और गाड़ी आ जाती है मुझे मारने के लिए, और दिक्कत वाली बात ये इसके पास M10 है, इसलिए मेरे को अपनी गाड़ी लेके यहाँ से भागना ही ज्यादा बेटर लगता है, तो मैं भाग जाता हूँ। एंड गाइस अभी गाड़ी वाले ने एनिमे को गाड़ी से ठोका था तो मैं उतर के डायरेक्टली इसे फाइट लेना स्टार्ट करता हूँ। एंड फाइनली इसे फिनिश करने के बाद वापस से अपनी गाड़ी उठा लेता हूँ। अब वो बंदा भाई इतनी मेहनत से उसको डैमेज दिया था और यहाँ मैंने इजिली किल लपेट लिया, ये चीज मेरे को काफी हैप्पी कर रही है, मतलब सीरियसली बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे मेरे 10 किल कंप्लीट हो जाते हैं और लास्ट के ओनली 6 बंदे रह जाते हैं, और सच बताओ तो गिने चुने सिर्फ एक दो बंदे ही हैं जो बिना गाड़ी के घूम रहे हैं, नहीं तो बाकी सब गाड़ी से घूम रहे हैं लाइक टू मैं भी भाई गाड़ी से ही घूम रहा हूँ। और टॉप 5 भी यहाँ फाइनली हो चुका है, मतलब अभी गाड़ी से तो बिल्कुल भी नहीं उतरना है। एंड गाइस ये गाड़ी के पीछे लग जाता हूँ पहले तो, शायद ये बंदा आगे जाके उतरने वाला है, बट छोड़ो गाइस अभी मेरे को यहाँ पे फाइट बिल्कुल नहीं लेनी है, नहीं तो ये बंदे फायदा उठा लेंगे जो इधर आसपास घूम रहे हैं। एंड यहाँ पे बस अपनी गाड़ी में घुमा ही रहा था कि एक बंदा मुझे दिखता है यहाँ पारी के पास, तो मैं ये गाड़ी को उधर से लाने की ट्राई करता हूँ बट ये नीचे साइड चली जाती है। एंड अब वो बंदा भाई यहाँ डैमेज भी दे रहा है क्योंकि मैं जून के बाहर था, और गाइस हद से ज्यादा डैमेज हो चुकी है मेरी गाड़ी और सामने की ओर अब मुझे भागना पड़ेगा। एंड गाइस यहाँ मैं एक दिमाग दौड़ाता हूँ कि यहाँ ऑलरेडी मेरी गाड़ी डैमेज थी तो मैं ये अपनी गाड़ी से उतर के इसकी गाड़ी में बैठ जाता हूँ। एंड अब भाई यहाँ मुझे एक अच्छा खासा कवर मिल चुका है और इतने देर के अंदर तो मैं अपने पॉकेट में से सारी चीजें उठा लूंगा जो मेरे काम की हैं। तो यहाँ पे भाई अब अपनी लूट वगैरह सब कुछ कंप्लीट है एंड अभी मैं पूरी तरीके से रिकवर भी हूँ, तो अभी ये गाड़ी ऑलरेडी काफी ज्यादा डैमेज है ये वाली भी। और यहाँ पे जैसे ही नीचे साइड से ऊपर से ला रहा था तो एक और बार ये गाड़ी अधमरी हो जाती है। एंड गाइस अब मेरे पास एक दिमाग आता है उतर के इसकी गाड़ी क्यों ना फोड़ दें, एंड मैं ऐसा ही करता हूँ। सो इसकी गाड़ी तो मैं फोड़ नहीं पाता बट अब ये बंदा मेरे पीछे पड़ जाता है और गाइस अब इसकी गाड़ी फोड़ना पड़ेगा नहीं तो ये मेरे को अभी ऐसे ही करके उड़ा देगा। चलो उसकी गाड़ी तो फोड़ दी उस बंदे ने, एंड अब ये बंदा देख रहा हूँ मुझे उड़ाने आ रहा था तो मैंने इसकी गाड़ी ही उड़ा दी। एंड गाइस अब ये बंदा जस्ट सामने ही था तो मैं डायरेक्टली रस मार देता हूँ और यहाँ 2-3 गोली डैमेज के देने के बाद और फाइनली इसे फिनिश भी कर दिया, मतलब बंदे ने एक गोली तक नहीं टच कर पाई भाई, छोड़ो उसकी गन से एक गोली तक नहीं निकल पाई, उससे पहले लपेट लिया मैंने उसको। एंड गाइस अब लास्ट का एक बंदा है जो कि डायरेक्टली मुझ पे रस मार रहा है और मैं भी उस पर डायरेक्टली रस मारने वाला हूँ क्योंकि अब इजीली उसको मैं निपटा दूंगा। सामने ये अबे भाई इतना जल्दी पास हो गया, अबे ये क्या था M10, इनकी अम्मा भाई इन पे आ जाऊंगा मैं। गाइस पता भी नहीं चला भाई कब बंदा आके मार के चला गया, बट कोई बात नहीं 100% MP40 में मिल चुके हैं। एंड 22+ के बाद मैं एक और मैच यहाँ स्टार्ट कर देता हूँ। गाइस यहाँ मैं जोन के अंदर जा ही रहा था कि ऊपर से एक बंदा M60 से मेरी गाड़ी को डैमेज देना स्टार्ट कर देता है, तो मैं जोन के बाहर ही ठहर जाता हूँ एंड यहाँ से इस बंदे को मारने की ट्राई करता हूँ। और FGL का 51 का डैमेज पाते ही बंदे पे रस मार देता हूँ मैं, एंड एबिलिटी का यूज करके इसके क्लोज आ चुका था एंड फाइनली काफी डैमेज दे रखा हूँ और ये बंदा पैक होने की ट्राई कर रहा है, बट फाइनली इसको मैं फिनिश कर देता हूँ MP40 से। और गाइस अब इसकी पेटी में सबसे बेस्ट गन थी लॉन्ग रेंज की M60, और गाइस यहाँ मेरी MP40 रिटर्न उठाने दो। और गाइस यहाँ पे हमने कुल मिला के 5 किल कंप्लीट कर रखे हैं और अपनी गाड़ी अब रिटर्न उठा के भाई मैं इधर साइड आ जाता हूँ और यहाँ पे फाइट चल रही थी इसी घर पे। ओके तो मैं भी उतर के बस यही कोने में था और यहाँ पे जस्ट पास में ही एक बंदा था तो मारने की ट्राई करता हूँ बट बच जाता है, ज्यादा एमो नहीं पड़ती। गाइस मैं थोड़ा भी वेट नहीं करने वाला था, इस बंदे पे रस मारने वाला था और ये बंदा बचने की कोशिश कर रहा था। ओके और इस बार काफी ज्यादा हद से ज्यादा मैंने उसको डैमेज दे रखा है और उस बंदे ने भी यहाँ मेरी बहुत कम एचपी कर रखी है और FGL से भी बंदा नहीं मरा, इसलिए पहले मेरे को यहाँ एचपी करने दो, यहाँ तक कि अब वो बंदा भी अपनी एचपी कर दिया होगा। तो कोई बात नहीं गाइस अब जल्दी से बाहर निकलते हैं, सामने ही था बंदा और ये बंदा अभी घर के अंदर आ चुका है। भाई इस कोने से आने की ट्राई कर रहा है, अबे भाई ऊपर से अब कौन मार रहा है, भाई दोनों तरफ से अब फंस चुका हूँ बहुत बुरी तरीके से, मुझे कुछ भी करके यहाँ से बाहर
निकलना ही पड़ेगा। एक मेडी खींचने के बाद मैं जल्दी से ये वाली वॉल तोड़ता हूँ एंड ये बंदा जस्ट यही था, इजिली इसको डाउन कर दिया मैंने एंड जल्दी से इसे फिनिश करते हैं। ऊपर से बंदा भी आ रहा है और इसे फिनिश करने के बाद अब देखो ऊपर वाला बंदा जो है वो बहुत गंदी तरीके से यहीं पे टारगेट कर रखा है, उसको कैसे भी करके मारना पड़ेगा। और अब वो बंदा जान चुका है मैं कोने आ चुका हूँ, यहाँ से मैं ऊपर रस मारने जा रहा था बट अब वो बंदा मुझे देख लिया है तो वॉल भी ब्रेक कर रहा है एंड यहाँ वो मुझे मारने की ट्राई भी कर रहा है और भाई एक भी वो ऐसा मतलब लोकेशन दे ही नहीं रहा कि मैं उसे मार सकूं। गाइस फिर मैं यहाँ से सोचा एम लगा के मारूंगा बट ये भी परफेक्ट नहीं हो पाता और वो बंदा इजिली निपटा देता, तो भाई मैं अपनी गाड़ी यहाँ से उठा के सीधा भागने ही वाला हूँ क्योंकि गाइस इजिली भाई वो मुझे निपटा देगा, उसके पास मस्त कवर था। और गाइस फिर मैं अपनी गाड़ी लेके इधर साइड आ जाता हूँ जून के अंदर एंड यहाँ फाइट चल रही थी और यहाँ थर्ड पार्टी करके ये सामने वाले बंदे को एक ही गोली पड़ी थी और इस बंदे को मैं काफी ज्यादा डैमेज दे चुका था और अब FGL का यूज करेंगे एंड फाइनली ये बंदे को काफी डैमेज और सेकंड टाइम में मर ही गया, देख रहे हो। मतलब गाइस थोड़ा बहुत दिमाग भी यूज कर लिया जाता है इसी जगह पे तो आप इजीली किल निकाल सकते हो। एंड गाइस उसके बाद मैं मोस्टर लेके इधर साइड आ जाता हूँ जहाँ एक कोने पे ये बंदा बैठा था एंड उतर के ही इसको मैं मार देता हूँ। भाई सीरियसली ये बंदा नीचे से किसी से फाइट ले रहा था तो भाई नीचे से अब वो बंदा मुझे टारगेट कर रहा है, देख रहे हो। और उल्टा भाई मेरा मोस्टर भी नीचे जा चुका है तो मतलब अब मुझे यहीं पे कवर लेके बंदे को मारना पड़ेगा। अब भाई MP40 से कहाँ एमो टच हो रही है एंड गाड़ी तो है बट वो फट जाएगी, दो तो इन गोली में ही है तो यहीं से मैं एम लगा के मारने की ट्राई करूंगा उसको एंड यहाँ पे वो खिड़की के पास जा चुका है। गाइस सीरियसली हमें एम तो बहुत तगड़ा ले रखा था बट वो अपना थोड़ा सा थोबड़ा भी नहीं दिखा रहा है और गाइस इस चीज पे मुझे बहुत गंदा वाला गुस्सा आ जाता है। मैं ये पास में पड़ी हुई इतनी ज्यादा डैमेज वाली गाड़ी उठा के डायरेक्टली अब इस बंदे पे रस मारने वाला हूं क्योंकि गाइस ये बंदा जो है भाई बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है एंड जस्ट ऊपर ही है और काफी डैमेज है बंदा, डायरेक्टली रस मारेंगे। M10 है भाई, क्या हो रहा है, मर भी जा। ओपी भाई गया भाई, इस बंदे के पास M10 थी, मैं बाल बाल बचा एंड यहाँ जल्दी से पहले तेज भी कर लेते हैं, क्या पता आसपास के बंदे बस थर्ड पार्टी कर दे बट ऐसा ना होना चाहिए। एंड यहाँ पे अब इसकी पेटी में से 4 लेवल की वेस्ट मिल जाती है, मतलब सीरियसली यार इस पे रस मार के मैंने सही किया है गलत मुझे नहीं पता था बट इसके पास M10 नहीं होनी चाहिए थी जहाँ तक मुझे पता है, थैंक गॉड बच गया नहीं तो अभी लपेटा जाता मैं बहुत गंदी तरीके से यहाँ पे। गाइस अब देखो इतना लास्ट जोन में हम सिर्फ 7 बंदे हैं जिनमें से मैं तो अकेला हूँ, मतलब यहाँ 6 बंदे हैं। एंड गाइस अब जोन छोटा होता जा रहा था तो मैं भी अपनी गाड़ी रिटर्न उठा लेता हूँ बट आप लोग खुद ही देखो ये तो अभी एक गोली बस मारूंगा तो फट जाएगी, तो मैं यहाँ पे मेरा एक पास मोस्टर था तो उसे मंगा लेता हूँ एंड उसके आने का बस वेट करते हैं थोड़ा देर क्योंकि आसपास बंदे हैं एंड बाहर ऐसे नॉर्मली मैं घूम नहीं सकता नहीं तो इजिली लपेट लेंगे। सो यहाँ अपना मोस्टर भी आ चुका है तो यहाँ मैं मोस्टर उठा लेता हूँ एंड ऊपर साइड भी बंदे देखो रहे हो गाड़ी लेके ही घूम रहे हैं। गाइस मैं भी अपने मोस्टर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ ऐसी सिचुएशन में तो। एंड गाइस सामने वॉल पड़ा है मतलब बंदा हो सकता है सामने, गाइस ये सोच के अपना मोस्टर में डायरेक्टली वॉल में घुसेर देता हूँ एंड सच में यहाँ बंदा था जो नीचे कूद गया बट यार ये बंदा मेरे हाथों लपेटा नहीं गया और ये क्या हो रहा है भाई, सीधा हो जाने तो बंदे लोग ये मोस्टर इजिली फोड़ देंगे एंड सामने भी एक मोस्टर है भाई देख रहे हो यार, ये मेढक जैसे मोस्टर है ना मैं क्या ही बताऊं। अभी ये मोस्टर से इस बंदे को मैं उड़ा ही नहीं पाया और सेकंड टाइम उड़ाने जाता उससे पहले ये बंदा ठोक देता है। एंड गाइस मैं उधर ही साइड जा रहा था, मैं सोचा भाई अब ये बंदे को इतना लॉन्ग रेंज से इस कार से मार के फिनिश कर दूंगा बट ये बंदा भाई चालाक था और यहाँ फर्स्ट टाइम में तो नहीं मरता है, सेकंड टाइम में कोई और ही ले जाता है किल। अब देखो मैं इस कार में भी थोड़ा बहुत मतलब नॉर्मल सा प्लस देना चाहता हूँ कि शायद मतलब मैं अपने डिस्ट्रिक्ट तक इनफ रहूँ, इतना ही जरूरी अपने लिए। बट यहाँ सामने की ओर भी एक बंदा दिख गया था और ये बंदा गाड़ी में बैठ जाता, मैं गाड़ी में इसकी फोड़ देता हूँ एंड इसे फिनिश नहीं कर पाता बट अपना मोस्टर लेके अब जल्दी से भाग जाते हैं। इनकी मैं गाड़ी इसलिए फोड़ रहा हूँ कि ये बंदे खुलेआम घूमें और मैं इनको लपेट सकूँ, सब गाड़ी में ही घूमेंगे तो भाई ये लास्ट जोन में भी दिक्कत होगा। अब ये बंदे के पास कोई कवर नहीं था सो इजिली इसको मैं गाड़ी से ठोक देता हूँ बट मरता नहीं है तो उतर के ही मार देता हूँ और MP40 से एक और किल कर लेता हूँ। मतलब अब यहाँ हमारे 10 किल कंप्लीट हो चुके हैं बट यहाँ मेरी गाड़ी एकदम से स्टॉप हो गई थी, मतलब आगे बढ़ ही नहीं रही थी और बंदा इस चीज का फायदा उठाने आया था बट फाइनली मैं अपनी गाड़ी को मतलब आगे की ओर बढ़ा देता हूँ, जून के अंदर आ जाता हूँ एंड मुझे भी नहीं पता ये क्यों हुआ गाड़ी एकदम से स्टॉप हो गई बट कोई दिक्कत नहीं है मैं बच चुका हूँ, कोई ग्लिच होगी और वो ग्लिच की वजह से अभी बहुत गंदा हो जाता। एंड गाइस अब देखो गाइस मैं उतर के पहले ये वाले मोस्टर को भाई फोड़ देता हूँ नहीं तो ये भाई बहुत पीछे पड़ा हुआ मेरे एंड यहाँ काफी डैमेज दे चुका हूँ, फाइनली फट चुका है मोस्टर। अब भाई यहाँ किसी के पास गाड़ी नहीं है मेरे अलावा, मतलब अब मुझे भी गाड़ी छोड़नी पड़ेगी और नॉर्मली फाइट लेनी पड़ेगी इनसे। एंड गाइस अभी वो बंदा एक तो ऊपर है एक इस घर के ऊपर है, भाई वापस से अपनी गाड़ी तो उठाने नहीं जा सकता बट ये नॉर्मली छोटी वाली उठा लेता हूँ और डायरेक्टली उस बंदे पे अब मैं रस मारने वाला हूँ जो कि यहाँ पे अपनी एबिलिटी यूज कर रखा है। एंड देख रहे हो गाइस डैमेज पड़ा उसको, भाई ये बंदा फिर से किल ले गया, भाई क्या इंसान है ये। एंड गाइस अभी मुझे भी मारने की ट्राई कर रहा है बट फाइनली यहाँ मैंने इस कार से मार के फिनिश कर दिया। एंड यहाँ 11 किल के साथ हम एक और भुया ले लेते हैं जहाँ हमें 100 पॉइंट MP40 के मिलते हैं एंड 29 का प्लस मिलता है एंड इसके साथ हम एक और मैच जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। एंड गाइस इस वाले मैच में मैं टॉप
पेन तो कर लेता हूँ, पर नीचे साइड से बंदे मुझे डैमेज देना स्टार्ट कर देते हैं, इसलिए मैं कवर के लिए भाई यहाँ पे आ जाता हूँ। यार थोड़ी देर के बाद यहाँ भी जोन श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएगा, तो भाई मुझे फिर से नीचे जाना पड़ेगा। एंड यहाँ से एक बंदा फायरिंग दे रहा है, मैं सोचा ऊपर चढ़ जाऊंगा, बट अब नीचे कूद गया और वो बंदा मुझे दिख भी जाता है, वो रहा सामने ही है। और स्कार से इजिली काफी डैमेज देकर मैं फिनिश कर देता हूँ, मतलब स्कार में थोड़ा बहुत एफर्ट देंगे मतलब इसमें भी ग्लोरी करने का और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट टच करने का, बट अभी मेरा सबसे ज्यादा मतलब मेन पॉइंट तो है MP40 में ग्लोरी ग्रो करने का। अब देखो गाइस जोन भी श्रिंक होना स्टार्ट हो चुका था, तो मैं भी अब धीरे धीरे करके जोन के अंदर जा रहा हूँ और मुझे कुछ भी नहीं पता क्लोज में कितने बंदे हैं। और ये मोस्टर वाले बंदे को तो मैं देख लेता हूँ, इसलिए FGL से मारने की ट्राई करता हूँ, बट एक ही एमो टच होती है FGL की एंड बाकी उस पर डैमेज भी आना स्टार्ट हो चुका है। तो अब इसका मोस्टर मैं जल्दी से डैमेज देना स्टार्ट कर देता हूँ एंड ये मोस्टर भाई फट जाए बस यही सोच रहा था, बट ये बंदा मोस्टर से उतर जाता है एंड 31 का बॉडी शॉट ही बढ़ पाता है इसको। और अब ये बंदा इस घर के अंदर जा चुका है, सो यहाँ मेरे पास दो दो ग्रेनेड थे तो मैं दोनों ग्रेनेड फेंक देता हूँ एंड अब भाई इस पे हम डायरेक्टली रश करने वाले हैं, भले डैमेज आए या ना आए। एंड गाइस मैं ऐसा ही करता हूँ, सीधा अपनी गन लेके ऊपर साइड चढ़ जाता हूँ और ये बंदा भाई अभी यहाँ से कहाँ गया, अरे भाई ऊपर ही है, अरे दादा रे इसके पास M10 है, नीचे भागना पड़ेगा। बट मैंने अभी इसे काफी डैमेज दे दिया है, मतलब अब इस पे रश करने का सही टाइम है और स्काइलर का यूज करके वॉल ब्रेक करता हूँ। बट अब ये बंदा पैक हो चुका है एंड इस कोने में थोड़ी सी जगह थी तो यहाँ मैं थोड़ी बहुत लैंडमाइन लगा देता हूँ, बट ये बंदा अब भाई बहुत गंदा वाला डैमेज दे दिया था मुझे एंड अब ये वॉल ब्रेक करके मेरे पे रश मार रहा था। अब भाई नीचे भाग जाऊं कुछ भी करके एंड भाई सामने बस कवर ले लूं एक बार। एंड गाइस अब वो बंदा मुझे कुत्ते की तरह ढूंढ रहा है सीरियसली एंड फाइनली मेटी लगा लिया, अब तो नहीं बचेगा मेरे से। एंड फाइनली गजब के हेडशॉट के साथ इसे मैं फिनिश कर देता हूँ। एंड गाइस कभी कभी इतना ज़्यादा भाई मतलब हड़बड़ियाहट नहीं करनी चाहिए, नहीं तो अभी देख रहे हो मैं ऊपर लपेटा जाता। सच में यार M10 वाले प्लेयर से थोड़ा दूर रहना पड़ता है, स्कॉर्पियन M10 तो इतना डैमेज नहीं देती, और जो M10 ड्रैको है ना अभी भी बहुत ताबड़तोड़ चलती है, मतलब इजिली कोई भी बंदों को लपेट सकती है। मैं सोचा था ये मोस्टर काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका होगा, बट हाँ डैमेज तो है बट उतना ज़्यादा भी नहीं है, इसलिए अब ये मोस्टर लेके जाके मैं ऊपर चढ़ रहा था, बाकी ये ऊपर चढ़ ही नहीं रहा है और ऊपर से एक और मोस्टर नीचे आ रहा है, तो इसे मैं डैमेज देना स्टार्ट कर देता हूँ। एंड भाई ये बंदा तो भाई भाग जाता है, छोड़ो यार अभी हम अपना मोस्टर रिटर्न उठा के इस कोने से चढ़ने की ट्राई करेंगे, क्योंकि ये पहाड़ से तो चढ़ ही नहीं रहा था एंड अब थोड़ा बहुत जोन से भी डैमेज पड़ जाता है मुझे, बट कोई बात नहीं, यहाँ मैं एक मेडी घिसने लगता हूँ एंड जस्ट ऊपर ही बंदा है और इस बंदे पर मैं डायरेक्टली रश मार देता हूँ। अभी ये क्या हुआ, ये बंदा इस कोने में और काफ़ी डैमेज दे पाता, उससे पहले ये बंदा वॉल डाल लेता है, तो मैं भी अपना मोस्टर उठा लेता हूँ रिटर्न एंड एक बंदा यहाँ से फायरिंग दे रहा था, सो मैं इसे मोस्टर से इजिली उड़ा देता हूँ एंड उतर के फिनिश भी कर देता हूँ, जो कि यहाँ मेरी सबसे बड़ी भूल होने वाली है। बिकॉज आप देखो सामने वाला बंदा जो है वो डैमेज बहुत ज़्यादा दे चुका था एंड यहाँ एक मेडी घिसने के बाद मैं जोन के बाहर भाई अपना मोस्टर उठाने चला जाता हूँ और यही सबसे बड़ी गलती थी और ये इजिली मेरा मोस्टर ब्रेक कर देते हैं एंड यहाँ पे मैं भाई जोन से ही मर जाता हूँ। बट कोई बात नहीं गाइस, यहाँ हमने एटलीस्ट टॉप 2 तो कर ही दिया था और ये वाली गेम में भी हमें 100 पॉइंट MP40 के मिल जाते हैं। और इसी के साथ 7 किल के साथ आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करने वाले हैं, बट एक सेकेंड, आप लोग यहाँ करंट में मेरा स्कोर देख सकते हो 11,399 है, मतलब 11,400 होने वाला है जस्ट। एंड एक बार अपनी वेपन ग्लोरी चेकआउट कर लेते हैं, यहाँ जल्दी से भाई मैं अपनी वेपन ग्लोरी चेकआउट करने आ जाता हूँ एंड जहाँ पे भाई मैं 8 नंबर पे था थॉमसन में अपने डिस्ट्रिक्ट में, वहीं मैं 6 नंबर पे आ जाता हूँ एंड अभी स्टेट में देखते हैं कि अभी हम कितने नंबर पे हैं, तो यहाँ तो 6 नंबर पे हैं बट स्टेट में हम ओनली 28 नंबर पे अभी आ पाए, मतलब एक पॉइंट बस आगे बढ़ पाए, मतलब इस गन को तो मैंने ज्यादा यूज भी नहीं किया फिर भी 23,055 हो जाता है। एंड हम अभी MP40 की बात करते हैं जिसपे अभी तक हम ज्यादा से ज्यादा मेहनत किए हैं एंड यहाँ हमारा 50,037 हो जाता है एंड सीरियसली हम 61 नंबर पे आ जाते हैं, जहाँ की मैं शायद मेरे को याद नहीं उतना, बाकी हम 72 नंबर पे थे जहाँ तक मुझे याद है। गाइस आप लोग बिलीव करो मुझ पे, 1 मंथ से ज्यादा का टाइम है हमारे पास, हम इजिली अपने स्टेट में तो आ ही जाएंगे, स्टेट के साथ साथ इंडिया भी आने की ट्राई करेंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताना आज की वीडियो आपको कैसी लगी और यहाँ तक बने रहने के लिए आपको दिल से शुक्रिया। बाय बाय।